छत के ऊपर आपने देखा होगा उन चाइना में जो टाइल्स लगी हुई रहती हैं, तो उसके ऊपर टाइल्स क्यों लगाते हैं, क्या क्या फायदा है, और क्या क्या आपको अगर टाइल्स नहीं लगाते हो तो उसको नुकसान है। जी हाँ नमस्कार, मैं इमराज मिनारी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। चैनल पर आप पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि टाइल्स की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल पर उपलब्ध मिलती रहेगी और आगे भी बहुत से अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे। आज बात करेंगे अपन, टेरिस बोल सकते हैं आप, छत बोल सकते हैं, रूफ बोल सकते हैं आप, अलग अलग हिसाब से बोल सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं छत के ऊपर जो टाइल्स का काम जो चल रहा है, अब वो टाइल्स क्यों लगानी चाहिए इसके बारे में, और क्या लगाने के क्या क्या फायदा है, और आपने नहीं लगाए तो क्या क्या नुकसान है, इसके ऊपर अपन डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं वीडियो में छत के ऊपर टाइल्स का काम चल रहा है, ये देख सकते हैं आप। साइज की बात करें तो इसमें अलग अलग साइज है, ये कंपनी का वेस्ट माल है टाइल्स। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि छत पर जो टाइल्स लगाते हैं ये क्यों लगानी चाहिए। देखिए छत पर टाइल्स अपन इस प्रकार लगाते हैं, पहले तो धूप बारिश सभी इसके ऊपर गिरती है, और छत पर अगर आपने टाइल्स नहीं लगाई है तो हो सकता है यहाँ पर पानी अंदर छत के अंदर बहे और सरिया खराब हो सकता है, तो आपकी छत को काफ़ी नुकसान होता है। और गर्मी के दिनों में छत जब गर्म हो जाती है तब आपको नीचे रूम में भी आपको गर्म हाथ महसूस होती है, इसलिए अपन ये टाइल्स लगाते हैं। और टाइल्स लगाने का दूसरा सबसे अच्छा फायदा, यहाँ पर पानी ज़्यादा देर रुकता नहीं है, अगर बारिश में भी हो तो पानी सीधा निकल जाता है टाइल्स से और छत के अंदर पानी नहीं बहता है, ये प्रमुख कारण है। अब लगाने के फायदे के आप देख सकते हैं, छत क्लियर रहता है, छत पर किसी प्रकार का कोई पानी रुकता नहीं है, तो छत आपकी ख़राब नहीं होती है और इजी साफ हो जाती है छत की बात करें तो। अब इस पर लगाने का, तो इसमें आपको महंगी टाइल्स लगाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऊपर है तो इसमें कंपनी का आप वेस्ट टाइल आप यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में 20x23 या 32x32 की और 2x2 का वेस्ट जो मटेरियल आता है उसकी कटिंग करके इस टाइल्स को यहाँ पर लगा रहे हैं। इसमें स्पेसर देकर ये टाइल्स लगाई जा रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं 4 mm 3 mm का स्पेसर आप लगा सकते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर ये 4 mm स्पेसर दे रखा है। टाइल्स वेस्ट हैं तो आगे पीछे हो रहे हैं, क्योंकि वेस्टेज माल है तो ये आपको 19x20 में फिटिंग हुई दिखेगी। अब इसमें आप लगाओ तो हमेशा एपोक्सी भरना, क्योंकि इसमें कई जगह पर मैंने देखा है कि इसके अंदर व्हाइट सीमेंट भर दिया जाता है, फिर इसके अंदर ग्राउंड में SBR मिलाकर भर दिया जाता है। देखो तो भर तो अपन सकते हैं, लेकिन आपके लिए लाइफ टाइम का सोल्यूशन नहीं है ये। इसके अंदर प्रॉपर अगर आप एपोक्सी भरोगे तो ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अगर आप इसके अंदर व्हाइट सीमेंट या फिर ग्राउंड भरोगे तो कुछ समय बाद फर्स्ट बारिश सेकंड बारिश में व्हाइट सीमेंट निकल जाएगी और फिर समस्या वैसे की तैसी रहेगी, क्योंकि पानी वापस इसके अंदर भेदा जाएगा और वापस वो छत में जाएगा। तो अगर आपने छत पर, या तो आप स्पेसर रखे ही नहीं, अगर आपने स्पेसर रखा है तो आप एपोक्सी भरें। अगर आप स्पेसर नहीं रखते हैं तो इसको पेपर जून लगाई, पेपर जून का मतलब इसको बिल्कुल चिपका के गई, इसके अंदर आप स्पेसर ना दीजिए ताकि यहाँ पर पानी रुके ही नहीं। अगर आपने स्पेसर दिया है तो फिर आप कंपलसरी आप इसके अंदर एपॉक्सी भरें। तो आप देख सकते हैं इतना एरिया अपन कवर करेंगे टाइल्स का, ये पूरा लगभग लगभग 3500 फीट का ये जो एरिया है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं इस प्रकार की विट्रीफाइड टाइल्स, जो टाइल्स का वेट वेस्ट मटेरियल होता है वो अपन यूज करते हैं। इसमें अंदर आप कभी भी टाइल्स लगाएं तो विट्रीफाइड टाइल्स ही लगाएं, ये देख सकते हैं विट्रीफाइड जो वेस्ट मटेरियल है 2x2 और 32x32 का। इसमें देखो पॉलिश अनपॉलिश सभी प्रकार की चल रही है, आपको मार्केट में सभी प्रकार की उपलब्ध मिलेगी। ये पॉलिश वाला है, विदाउट पॉलिश भी मिलेगी, पॉलिश भी मिलेगी, लेकिन आप विदाउट पॉलिश ही छत पर लगाएं, क्योंकि पानी गिरा जब बारिश के टाइम में पानी देता है आप कपड़े सुखाने, या फिर अन्य किसी कारण से अगर आप छत पर जाते हैं तो हो सकता है आपका पैर फिसल जाए, तो आप मैट फिनिश टाइल्स ही लगाएं। तो इस प्रकार की ग्लोसी टाइल्स आप ना लगाएं तो बेहतर, मिक्स में आप लगा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको मैट फिनिश टाइल्स ही लगानी चाहिए। और बात करते हैं रेट की, तो ये आपको मार्केट में 10 रुपये 12 रुपये 15 रुपये फीट में अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से मिल जाती है। देखिए कहीं कहीं जगह पर ये टाइल्स 10 रुपये फिट भी मिल जाएगी, कहीं कहीं जगह पर आपको 12 रुपये 13 रुपये 15 रुपये अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से टाइल्स मिल जाएगी। छोटी टाइल्स में भी बैंड आता है, बड़ी टाइल्स में बैंड आता है, इसमें अमूमन बैंड आता ही आता है, लेकिन अब अगर हल्का सा जैसे मैंने बताया 15 रुपये तक, आप 16-17-18 रुपये तक जाओगे तो आपको बढ़िया टाइल्स भी उपलब्ध मिल जाएगी मैट फिनिश, तो आप वो लगा सकते हैं। और बात करते हैं जो टाइल्स के ऊपर जो नीचे माल चढ़ा हुआ है वो लेवल के हिसाब से आपको मेंटेन करना पड़ता है, ज़्यादा माल भी आप ना चढ़ाएं, वजन ना करें छत पर, और छत पर हमेशा टाइल्स ही लगाएं। कहीं की जगह मैंने यूं भी देखा है मार्बल की करंजी करके उसके ऊपर घसाई करवाते हैं, वो देखिए बिल्कुल गलत है। आपको मार्बल ज़्यादा हैवी वजन आपको अपने छत पर टेरिस पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पर अगर आप ज़्यादा वजन करते हो तो निश्चित रूप से छत पर तो काफ़ी दबाव रहता है, इसलिए आप हल्की टाइल्स लगाने का काम करें। हल्की का मतलब विट्रीफाई टाइल्स में आप किसी भी साइज़ की ले सकते हैं, आप 12x12 की मैंने देखा है, चाइना में जी भी रहता है। तो ऑलरेडी जब भी आप इस प्रकार की टाइल्स लगाते हो तो आपको 40 रुपये जैसा खर्चा आएगा टोटल,
मिस्त्री की लेबर हो गए, उसमें मटेरियल हो गया, सभी हो गया, और चाइना म्यूजिक भी आप करते हो तो 35 से 38 रुपये आपका खर्चा आता है। तो ये एक बेसिक जानकारी मैंने तो आप तक शेयर करने का प्रयास किया। टेरिस में किसी प्रकार की जानकारी के लिए आपको, अगर आपको जानकारी चाहिए तो जरूर आप कमेंट करें आपको किस प्रकार की जानकारी चाहिए, प्रॉपर वीडियो बनाकर आप तक शेयर करने का प्रयास करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें अपने आसपास पड़ोस में, अपने रिश्तेदार में, अगर कहीं छेद पर टाइल्स लगाना तो इस प्रकार की टाइल्स आप लगा सकते हो। मिलते हैं आने वाले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।